الحمد لله الذي كفى والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم। मेरे मोहतरम अजीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, असल बात तो हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातहुम तशरीफ़ लाने पर होगी। हज़रत के आने से पहले मशवरे के ताबे और हुकुम के ताबे होकर कुछ बातें निकाह से मुतालिक आप हज़रात के सामने अर्ज़ करनी हैं। वैसे नेक लोगों का मजमा है, उलमा हुफ्फाज़ की कसरत है, मुबारक मजमा है। ऐसे मजमे में कुछ बातें अर्ज़ करना भी बड़ी हिम्मत की बात होती है, बड़ी जुरात की बात होती है। बंदा उस लायक नहीं है कि आप हजरात के सामने कुछ बातें अर्ज़ करे। अलबत्ता जो बातें अपने बड़ों से, अपने अकाबिर से, असातिज़ा से सुनी पड़ी हैं, वही बातें सबकन आप हजरात के सामने अर्ज़ कर दी जाएंगी। बकौल हज़रत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के, दरवाज़ा बंद करो, चोर आने वाला है, ये बोलने के लिए बड़ी अकल की ज़रूरत नहीं है, छोटा बच्चा भी बोल सकता है। लाइट बुझा दो, चराग बुझा दो, इससे नुकसान हो सकता है, ये बोलने के लिए बड़ा दिमाग ज़रूरी नहीं है, ये थोड़ी बहुत सूझबूझ रखने वाला आदमी भी कह सकता है। ऐसे ही शरीयत की चंद बातें, जिसे बोलने का हक़ अपने बड़ों की तरफ से दिया गया हो, वो बातें पेश करने में आदमी को ज़्यादा सलाहियत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये महफिल जिसमें हम और आप हजरात जमा हैं, ये निकाह की महफिल है। निकाह तमाम नबियों की सुन्नत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पांच काम अंबिया की सुन्नत हैं: खुशबू लगाना, मिसवाक इस्तेमाल करना, हया और शर्म, निकाह करना, ये सब चीज़ें अंबिया की सुन्नत में दाखिल हैं। निकाह इबादत है, इबादत की जगह अल्लाह ने मस्जिद बनाई है, तिजारत की जगह बाज़ार बनाई है, सोने की जगह बेडरूम कहते हैं, खाने की जगह को डाइनिंग हॉल कहते हैं, ज़रूरत से फारिग होने की जगह को वाशरूम कहते हैं। समाज ने हर काम की जगह मुतय्यन करके रखी है, इसी तरह इबादत की भी जगह अल्लाह ने मस्जिद बनाई है। निकाह जब इबादत है तो इबादत को इबादत के तौर पे करना चाहिए, इबादत को तिजारत के तौर पे नहीं करना चाहिए। समाज ने इबादत को तिजारत बना दिया, इस वास्ते जोड़े जहेज की रस्म शुरू हो गई। जब निकाह इबादत है, इबादत की जगह मस्जिद है, अंबिया की सुन्नत है, तो फिर इबादत सुन्नत के मुताबिक की जाए। नमाज कोई पढ़ रहा हो और एयरफोन्स लगाकर गाने भी सुन रहा हो, डांस भी चल रहा हो और नमाज भी हो रही हो, तो उसे अहमक कहेंगे। बेनमाजी भी इसे नमाज नहीं समझता है, क्योंकि इबादत के साथ मासियत शरीक नहीं हो सकती है। ऐसे ही जब निकाह इबादत समझा गया, कहा गया, बताया गया, तो फिर हमारे समाज में निकाह के साथ म्यूज़िक, वीडियोग्राफी और रस्म रिवाज न पूरे मुसलमान न पूरे हिंदू, आधे इधर आधे उधर बनकर उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा की सरी मुखालफत करना, ये कौन से ज़ुमरे में दाखिल होगा? कौन सी इबादत शुमार की जाएगी? जब निकाह को इबादत नहीं समझा गया तो फिर फंक्शन हालों को रिवाज देना पड़ा। निकाह को सुन्नत नहीं समझा गया तो फिर रसूमात को हवा दी जाने लगी। निकाह को जब अंबिया के तरीक़े पर मनाया जाना छोड़ दिया गया तो जिना को शोहरत मिली।
इस्लाम ने निकाह को हलाल किया, निकाह को आसान किया, बातिल ने जिना और बदकारी को आसान किया, मुसलमानों ने निकाह को मुश्किल किया तो बातिल ने बेहयाई को आसान बना दिया। अब लिव इन रिलेशन, ताल्लुकात की बुनियाद पर रिश्ते जोड़ के रहो। पहले मियाँ बीवी, लड़का लड़की एक दूसरे को 6 महीने साथ रहकर समझ लेंगे, अगर समझ में आए तो फिर निकाह करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इसका रिवाज बातिल दे रहा है और हमारे रसूमात उसको और बढ़ावा दे रहे हैं। इधर से मुतालबे, उधर से मुतालबे। हज़रत हकीमुल इस्लाम कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाहि अलैह के बकौल, अल्लाह ने, शरीयत ने निकाह में 2 ही खर्च रखे हैं, एक महर का खर्च, दूसरा वलीमे का खर्च। महर का खर्च भी लड़के के ज़िम्मे है, वलीमे का खर्च भी लड़के के ज़िम्मे है। लड़की वालों के ज़िम्मे अल्लाह ने कोई खर्च नहीं रखा है। जब ये बदल गया, बोझ लड़की वालों पर आ गया, तो अब एक निकाह भी भारी हो गया। एक निकाह को जब भारी बना दिया गया तो उम्मत की बेवा औरतें बदकारी की तरफ जाना शुरू हो गई। रसूमात इस कदर आम हो गई कि एक ही बार निकाह करते हैं, इस वास्ते शौक से करने दीजिए। खाला की भी तमन्ना पूरी हो जाए, मामू की भी तमन्ना पूरी हो जाए, दूसरे रिश्तेदारों की भी ख्वाहिश पूरी हो जाए, इस बुनियाद पर जब रसूमात आम होने लगे तो निकाह भारी से भारी बन गया। निकाह सुन्नत है, सादगी से किया जाए। इस मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो इरशादात बयान फरमाई हैं, एक दो बातें अर्ज ये हैं। शोहर की ज़िम्मेदारी है कि जिस तरह निकाह को शरीयत ने आसान किया है, समाज की ज़िम्मेदारी है निकाह का मजाक ना उड़ाए। निकाह का मजाक कैसे है? बहुत से लोग बीवियों पर जोकर लतीफ़े बनाते हैं, उसमें अवाम भी हैं, उसमें खवास भी हैं, उन लतीफ़ों की महफिलें बनती हैं, उसे आगे फॉरवर्ड किया जाता है। लतीफ़ा और जोक किस पर बना है? बीवी पर बना है। और शेर शायरी, मीठे मीठे बातें, ये लवर्स पर बनाए जा रहे हैं और उसे बड़े शान और शौक से पढ़ा जा रहा है, जबकि बातिल का हरबा है कि बीवी की तौहीन की जा रही है जो कि काबिल एहतराम है, और लवर्स का एहतराम किया जा रहा है जो कि काबिल तौहीन और काबिल तर्क है। ऐसे ही उलमा ने लिखा है कि जब अपनी घरवाली का तारुफ कराओ, आपकी भाभी को तबीयत नासाज है, आपकी भाभी ये कह रही है, अपनी बेगम को दूसरे गैर महरम की तरफ निस्बत करना सरी बेहयाई है। मेरी बेगम ये कहती है, मेरे बच्चों की माँ ये कहती है, तुम्हारे मामू की बहन ये कहती है, ये कहा जाएगा? लेकिन तुम्हारी भाभी कहकर निस्बत कर देना जबकि वो गैर महरम है, देवर की तरफ, भावज की तरफ निस्बत करके कहना सरी बेहयाई में दाखिल है। शोहर की जिम्मेदारी है ससुराल की नेमत की कदर करे। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शादी के बाद सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम रिश्ता ससुराल का होता है। इस हदीस की बुनियाद पर उलमा ने लिखा है कि बीवी के भाई को साले के लकब से ना पुकारे, बीवी की बहन को साली के लकब से ना पुकारे। समाज में ये लफ्ज़ गाली की जगह पर भी इस्तेमाल होता है, इस लकब से ना पुकारा जाए, निस्बती बिरादर कहे, ब्रदर इन ला कहे, दूसरे अलकाब से कहे, मेरे बच्चों के मामू हैं ये कहें, ये रिश्ते का एहतराम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की माँ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को लकब दिया कि अगर कोई शख्स जन्नती हूर को देखना चाहते हो तो मेरी बीवी आयशा की माँ को देख ले। ससुराल का एहतराम करना सिखाया। वजअलहु नसबं वसिहरा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए नसब बनाया और तुम्हारे लिए ससुराल बनाया। किसी जानवर का ससुराल नहीं होता है, किसी जानवर से किसी की रिश्तेदारी, निकाह की जो सुन्नत है ये इंसानों में रखी गई है, जानवरों में नहीं रखी गई है। जब कभी मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए, कुछ बात हो जाए, तो उसका बतंगड़ ना बनाया जाए, छोटी बात को बड़ी ना की जाए। इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह का निकाह हुआ, 30 साल के बाद दोस्तों में बैठक हुई, एक दूसरे की बीवियों की कहानियां किस्से सुना रहे हैं। इमाम शाबी फरमाते हैं, शादी होकर 30 साल हो गए, आज तक मेरी बीवी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। सबको ताजुब, वक्ती बड़ी करामत, तहज्जुद पे इस्तकामत जिस तरह करामत है, मियाँ बीवी का झगड़ा ना होना भी करामत है। तहज्जुद के इस्तकामत को बुजुर्गी समझ रहे हैं, सुबह शाम के मामूलात को बुजुर्गी समझ रहे हैं,
میاں بیوی کے تعلقات کا استوار ہونا بزرگی نہیں سمجھا جا رہا ہے. تو امام شافعی نے فرمایا 30 سال سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. کیسے؟ تعجب سے پوچھا گیا تو امام شافعی نے فرمایا بیگم کی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ پہلی رات ہی بیگم نے کہا محترم آپ کا خاندان الگ میرا خاندان الگ، آپ کا مزاج الگ میرا مزاج الگ، آج ہماری زندگی کی پہلی رات ہے، میرا مطالبہ اور درخواست یہ ہے کہ آپ اپنی پسند ناپسند کی فہرست بنا کر دے دیں اور میں وعدہ کرتی ہوں ساری زندگی آپ کے پسند پر اتروں گی اور آپ کی ناپسند سے بچ کے رہوں گی. وہ رات اور آج کا دن ہے، کبھی میری بیوی میرے خلاف نہیں گئی ہے. امام شاب امام ابو الاسود دویلی رحمت اللہ علیہ نحو کے بانی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد اپنے بچوں سے کہنے لگے بچوں میں نے تم پر تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی احسان کر دیا ہے. پیدا ہونے سے پہلے کیسے احسان کر دیا؟ تو ابو الاسود دویلی کہنے لگے میں نے اپنے شادی کے موقع پر لڑکی کے انتخاب کے لیے یہ نہیں سوچا کہ میری بیوی کیسے ہونی چاہیے بلکہ میں نے یہ سوچا کہ میرے بچوں کی ماں کیسی ہونی چاہیے. میں یہ نہیں سوچا کہ میری خواہش کی تکمیل کے لیے لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، گوری چمڑی والی ہونی چاہیے، اونچے خاندان والی ہونی چاہیے، بڑے خاندان بڑی عزت احترام والی، بیک گراؤنڈ زیادہ ہو، اس کی بینک بیلنس پراپرٹی زیادہ ہو، یہ سوچ کر میں نے نہیں کیا ہے. میرے بچوں کی ماں کیسی ہو، آج میں کہہ سکتا ہوں کہ تمہیں اپنی ماں کو ماں کہنے پر فخر محسوس ہوگا. اس میں کوئی بے حیائی نہیں ہے، اس میں کوئی بے وفائی نہیں ہے، اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہے. امام رازی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، کیا وجہ ہے؟ بیوی لنگڑی ہے، مجھے معلوم نہیں ہوا شادی ہو گئی. امام رازی نے فرمایا شادی اگر اس لیے کیے ہو کہ بیوی سے ریس لگانا ہے تو پھر طلاق دے دو، ریس میں لنگڑا گھوڑا نہیں چلتا ہے، تو طلاق دے دو. اگر بیوی سے شادی اس لیے کیا ہے کہ راحت پانا ہے تو وہ تو اندھی سے بھی راحت مل جاتی ہے، وہ تو گونگی سے بھی راحت مل جاتی ہے. چھوٹے موٹے عیب تو انسانوں میں ہوتے ہی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا دین کی بنیاد پر نکاح کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ساری نعمتوں کو تابع کر دیتے ہیں. بیوی کی ذمہ داری ہے شوہر کی شکر گزاری کرے، شوہر کی تعریف کرے. یہ حدیث جس طرح ہم نے بار بار سنی، ماں باپ ہماری جنت بھی ہیں ہماری دوزخ بھی ہیں، راضی تو جنت ناراض تو جہنم، ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی پھوپھیری بہن سے فرمایا تمہاری جنت اور تمہاری دوزخ تمہاری شوہر کی خدمت ہے. تمہارا شوہر راضی تو تیری جنت بن گئی، تمہارا شوہر ناراض تو تمہاری دوزخ ہے. اپنی شوہر کو راضی رکھنے کی کوشش کرو. نیک بیویاں وہ نہیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کو صحابہ جیسے شوہر کے ترازو میں تول کر ناپ رہی ہوں کہ حضرت علی کیسے بہتر شوہر تھے، اللہ کے نبی کیسے بہتر شوہر تھے، فلاں تابعی کتنے بہتر شوہر تھے. نیک بیویاں اپنے شوہروں کو اولیاء پر تولتی نہیں ہیں، نیک بیویاں اپنے کو صحابیات پر تولتی ہیں کہ صحابیات کیسے تھی میں کیسی ہوں. اور نیک شوہر وہ نہیں ہے جو اپنی بیوی کو صحابیات کے رنگ میں دیکھے کہ فلاں صحابیہ کتنی خدمت گزار تھی، فلاں صحابیہ کتنی تابع دار تھی اور یہ میری بیوی کیسی ہے. نیک شوہر وہ ہوتے ہیں جو خود کو صحابہ پہ تولے. شوہر کی ذمہ داری ہے کہ حضرت علی کی سیرت پڑھے تاکہ حضرت علی جیسا شوہر بن سکے. بیوی کی ذمہ داری ہے کہ حضرت فاطمہ کی سیرت پڑھے تاکہ حضرت فاطمہ جیسی بیوی بن سکے. یہ ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. حضرت جی اس سارا رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ حق کا مطالبہ کرنا نہیں حق ادا کرنا سیکھو تو پھر دیکھو کیسی محبتیں بڑھتی ہیں. حق ادا کرنا سیکھو پھر دیکھو کیسی محبتیں بڑھتی ہیں. غلطی کا اعتراف کر لینا یہ آدمیت ہے. ربی انی ظلمت نفسی، خطا ہو گئی، پھل نہیں کھانا تھا کھا لیا، اللہ غلطی ہو گئی، یہ غلطی کا اقرار آدمیت ہے انسانیت ہے. غلطی پہ اصرار یہ ابلیسیت اور شیطانیت ہے. انا خیر من، غلطی ہو گئی پھر بھی کرے میں بہتر ہوں میں لڑکے والا ہوں، یہ نہیں چلے گا. غلطی جس سے ہو جائے اعتراف کرنا پڑے گا. ہم بڑے خاندان والے ہیں، ہم سے غلطیاں نہیں ہو سکتی ہیں. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ دونوں حضرت علی کی اولاد ہیں لیکن ایک کی ماں حضرت فاطمہ دوسرے کی ماں دوسرے خاندان سے ہے. دو بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا، دو تین دن کے قریب ہے بات نہیں ہو پا رہی ہے. حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا کہ حسن آپ کے والد بھی اعلیٰ آپ کی والدہ بھی اعلیٰ، آپ دونوں نسبتوں سے اعلیٰ ہیں، میں ایک نسبت سے اعلیٰ ہوں. میری تمنا ہے کہ اللہ نے جیسے آپ کو دو نسبتوں سے اعلیٰ رکھا ہے
अब इस कता रहमी और ताल्लुक जो टूट गया है, जो पहल करके आगे आके माफ़ी मांगेगा वो अल्लाह के नज़दीक आला हो जाएगा। अब मेरा ख़त पहुंचने से पहले पहले आप आके माफ़ी मांग लिए तो आप आला हो जाएंगे, मैं आके माफ़ी मांग लिया तो मैं आला हो जाऊंगा। ख़त पहुंचा हज़रत हसन के पास, जैसे ही ख़त पहुंचा चादर ढंग से बांधी भी नहीं, ऐसे ही चादर लटकी हुई लेकर माफ़ी मांग ले के निकल पड़े। मेरी बेटी से गलती नहीं होती, मेरी बच्ची बड़ी शरीफ है, मेरे बेटे से गलती नहीं होती। शराफत बयान करने के लिए इंसान की ज़रूरत नहीं है, काकी पिल्ला काकी के मुद्दू, वो तो कव्वा भी बयान कर लेगा। गलती का एतराफ़ करना ये इंसानियत होती है। बच्चों के अंदर उतनी समझ अकल नहीं होती। बहू की सआदत है ससुराल की खिदमत को अपनी जिम्मेदारी समझे, शरई हुकूक जताने की फिक्र ना करे। किसी किताब में बड़ों के सामने बड़ी गुस्ताखी और जुरात के साथ ये लिखा हुआ नहीं है कि बहू के जिम्मे ससुराल की खिदमत करना नहीं चाहिए, ऐसा किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है। बहू पर बहू को चाहिए कि ससुराल की खिदमत ना करे, ये हिदायत किसी किताब में नहीं दी गई है। ना करे का हुक्म किसी किताब में नहीं दिया गया है। अखलाकी फरीजा और चीज़ है, शरई फरीजा और चीज़ है। कानून से घर नहीं चलता है, अखलाक से घर चलता है। ईंट से ईंट जुड़ जाए घर बन जाएगा, घर आबाद नहीं होगा। दिल से दिल जुड़ जाए तब जाके घर आबाद होगा। बड़े बड़े रोशन कुमकुमे और लाइट लगा लीजिए, घर रोशन हो जाएगा। दिल की कदूरतें और जुल्मतें ख़त्म नहीं होंगी। दिल की सफाई कर लीजिए तब जाके दिल आबाद होगा। एक छत होने की, एक दस्तरखान होने की, एक घर होने की फिक्र ना कीजिए, एक हांडी होने की फिक्र ना कीजिए कि हम अपने बेटे को अलग जाने नहीं देंगे, हम अलग जीना ले नहीं ले जाएंगे, हम अलग ले जाने की फिक्र करेंगे, इसका मत सोचिए। एक घर से ज़्यादा, एक छत से ज़्यादा, एक हांडी से ज़्यादा, एक दस्तर से ज़्यादा एक दिल होने की फिक्र कीजिए। जहाँ रहो खुश रहो, जहाँ रहो खुश रहो, यहाँ रह के खिचड़ी पकाते ना रहो, यहाँ रह के गीबतों में रात गुजारते ना रहो, यहाँ रह के नफरतें पालते ना रहो। देख हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला बेटों को बोल रहे हैं, सुबह हो गई घर से बाहर निकलो, यहाँ बैठोगे तो तेरी बीवी ये बोल रही, इसकी बीवी ये बोल रही, उसकी बीवी ये बोल रही, सारे दिल नफरतों से भरे हुए हैं। घरों को आबाद करने के लिए ईंट से ईंट जोड़ने से ज़्यादा दिल से दिल जोड़ने की फिक्र की जाए। बड़े लोग वो नहीं हैं जो बड़े बड़े मकानात में रहते हैं, बड़े लोग वो हैं जो बड़ी गलतियाँ भी माफ़ कर देते हैं। छोटे लोग वो नहीं हैं जो सलम बस्तियों में रहते हैं, छोटे लोग वो हैं जो छोटी गलती को भी बड़ी बना देते हैं। जिनके पास छोटे और बड़े की तमीज़ नहीं होती है, इस वास्ते उलमा से जुड़कर शरीयत के ताबे होकर निकाह जिस कदर आसान किया गया है, उस कदर आसानी के साथ मियां बीवी के हुकूक अदा करते हुए, जो अल्लाह का नहीं हो सकता वो कभी किसी का नहीं हो सकता। जब शोहर को अल्लाह की नाफरमानी का एहसास नहीं है तो शोहर को क्या इसका एहसास रहेगा कि मैं बीवी का हक मार रहा हूँ। जब बीवी को अल्लाह की नाफरमानी का एहसास नहीं है तो उसे ये क्या एहसास होगा कि मैं शोहर के हक में तलफी कर रही हूँ, हक तलफी हो रही है। तो शोहर की जिम्मेदारी ज़्यादा अल्लाह का बनने की कोशिश करे, बीवी की जिम्मेदारी ज़्यादा अल्लाह का बनने की कोशिश करे कि मुझे इन हुकूक़ की अदायगी में अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होना है। इसलिए उलमा ने सिखाया कि शादी की लैंग्वेज अलग है, उसका तरीका यह है 1+1 एवरीथिंग। मैं और तू एक और एक जुड़ गए, दो खानदान जुड़ गए। निकाह दो खानदानों का नहीं हो रहा है, यूं तो कहने को कहता है समाज कि ये नल्लूर के दामाद हैं, नल्लूर के नहीं, नल्लूर के एक घर के दामाद हैं, पूरे नल्लूर के दामाद नहीं है। दो जुड़ते हैं तो दो की बुनियाद पर दो खानदान जुड़ जाते हैं। ये खिलाना पिलाना, एक दूसरे के दर्द गम में शामिल होना, इस वजह से है कि एक दो फर्द जुड़ रहे हैं। ये दो फर्द का जुड़ना नहीं है, दो खानदानों का जुड़ना है। 1+1 एवरीथिंग, तू और मैं एक हो गए तो हर चीज़ आसान है, हर चीज़ राहत की बन जाएगी। 2-1 नथिंग, अगर दो में से एक निकाल दो कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। मियाँ बीवी शादी के बाद एक दूसरे को मोहब्बत से पेश आएँ, चाहिए कि बड़ों को खुश हों। ऐसा नहीं कि जैसे का सुना गया कि शोहर रात के 2 बजे घर आ रहा है, रात के 1 बजे घर आ रहा है, दोस्तों के साथ बैठे हुए गपशप हो रही है, बीवी घर पे इंतज़ार कर रही है। नेक बीवियां खाना बनाकर शोहर का इंतज़ार करती हैं। हिंदुस्तानी समाज में शोहर से पहले खाया नहीं जाता है, शोहर की जिम्मेदारी है बीवी का दुख दर्द। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हामिला बीवी के लिए
सर्दी के मौसम में आग लेने के लिए गए। उलमा ने यह भी लिखा, बीवी की खिदमत पर अल्लाह नबुव्वत जब चाहे दे सकते थे, लेकिन वहां पर बीवी की खिदमत में जा रहे हैं, अल्लाह ने आग लेने के लिए आग देने की जगह नबुव्वत से भी नवाज दिया। बीवी की खिदमत को अपनी जिम्मेदारी समझे। ज्यादा खुश अखलाक वो नहीं है जो साथियों में खुश अखलाक, मस्जिद वाली जमात में खुश अखलाक, अपने कारोबार में खुश अखलाक, सब जगह खुश अखलाक हैं। जनाब, आपकी खुश अखलाकी का सर्टिफिकेट हमारे और आपके नबी ने यह दिया है, खैरुकुम खैरुकुम लियाहली वाना खैरुल लियाहली, तुम में बेहतर जो बीवी के साथ अच्छा रहे, तुम में खुश अखलाक वो जो बीवी के साथ अच्छा रहे। लड़का लड़की में माँ बाप जब पालते हैं तो लड़की को बड़े एहतराम से पालते हैं, बड़ी इज्जत के साथ पालते हैं। लड़की की इज्जत पूरे खानदान की इज्जत होती है। इस वास्ते मुतालबा किया जाता है कि लड़की को जो रुख्सत किया जाए, शोहर की जिम्मेदारी है कि लड़की को माँ का भी प्यार दे, बाप का भी प्यार दे, भाइयों का प्यार दे, पूरे खानदान का प्यार दे, उसे अपने खानदान की कमी महसूस होने ना दे। हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा कि एक लड़की एक अजनबी खानदान में अजनबी लड़के के साथ माँ बाप के कहने पर बिला चूँ चरा पूरी जिंदगी ताबे बनकर अपना शहर छोड़कर खानदान छोड़कर कैसा मिजाज है, क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा, कहाँ रखेगा, कुछ नहीं जानती है, पूरा सब कुछ छोड़कर उसके ताबे होने तैयार है, अपनी जायज मोहब्बतें कुर्बान करने तैयार है, तो हमें इतना तो सबक हासिल करना चाहिए, लड़की लड़के की मोहब्बत में जायज मोहब्बतें कुर्बान कर रही है तो फिर मुसलमान अल्लाह की मोहब्बत में नाजायज चीजें क्यों कुर्बान नहीं कर रहा है? सूद पर क्यों चाकू नहीं चल रही है? बेहयाई पर क्यों चाकू नहीं चल रही है? मिट्टी लेने देने पर, रिश्वत लेने देने पर क्यों चाकू नहीं चल रही है? समाज ने निकाह को मुश्किल बनाया तो हमारा निकाह गैरों की हिदायत का जरिया बनने के बजाय गैरों को इस्लाम में दाखिल होने से रोकने का जरिया बन गया। लड़कियां इस्लाम पर रिसर्च करके इस्लाम में दाखिल होना चाहती हैं, लेकिन तुम्हारे कटनम और जोड़े जहेज की रस्म यह है कि हम इस्लाम कबूल कर लें, इधर हमारा खानदान धुतकार देगा, इधर यहां खानदान आबाद करने के लिए हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं होगा। कितने माँ बाप के आंसू, कितने नई नवेली दुल्हन ऐसी हैं जो कुंवारेपन के साथ बेवकी की जिंदगी गुजार रही हैं, 40 साल की उम्र को पहुंच गए, क्योंकि हर आने वाला मगरमच्छ का मुंह खोल के आ रहा है, मुतालबे भारी से भारी हो रही हैं। बूढ़े बाप की बीवी बेटी पार्कों में गैरों के साथ घूम रही है, उस बूढ़े बाप को समझाया जा रहा है कि तुम्हारी बेटी बदनाम कर रही है, तो कह रहा है 11 साल से रिश्ते तलाश कर रहा हूं, मेरी बुढ़ापे पे, मेरी गुर्बत पे किसी मुसलमान को रहम नहीं आ रहा है, इतने मुतालबे कि मैं बस बस हो गया, अब बेटी से कहा बेटी अपना रिश्ता खुद तलाश कर ले। जहां उस लड़की के आवारापन में उसके बाप का उसका कसूर है, समाज का भी कसूर है कि हमने निकाह को किन शाकिन रसूमात के दबाव में डाल दिया है। दीनदार निकाह बकौल हजरत मौलाना अहमद उबैदुर रहमान साहब दामद बरकातुहुम के, दीनदारों का निकाह वो नहीं है कि निकाह होने के लिए मस्जिद का एहतमाम किया जाए। किसी फिकह की किताब में मस्जिद में निकाह को सुन्नत नहीं लिखा गया है, फुकहा ने मस्जिद के निकाह को मुस्तहब लिखा है। दीनदार निकाह, मसनून निकाह, शरीयत और सुन्नत के मुताबिक निकाह वो नहीं है जो सिर्फ मस्जिद का एहतमाम कर लिया जाए, किसी बड़े वली की आमद का इंतजाम किया जाए, किसी पीर और मुर्शिद की आमद का इंतजाम किया जाए। मसनून निकाह वो है जो रसूमात और समाज के दबाव से बाहर हो। मसनून निकाह वो है जिसमें लड़की और लड़के वाले किसी समाज के दबाव में रस्म के ताबे ना हो जाएं, वो मसनून निकाह है। जिसमें सादगी हो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आजम उन निकाह ही बरकतन ऐसरहुम माउना, अल्लाह उस निकाह में बड़ी बरकत देते हैं जिस निकाह में खर्च कम होता है। हजरत हकीमुल इस्लाम रहमतुल्लाह ने सुनाया देवबंद की गलियों में हमने वो निकाह भी देखा जिसमें निकाह करने वाले नवाब ने एक हफ्ते तक गरीबों के खाने का इंतजाम किया, लेकिन जब उसके इसराफ का ये आलम एक हफ्ते तक 20 किलोमीटर के गरीबों के खाने का इंतजाम, हमने वो मंजर भी देखा उसी नवाब की औलाद देवबंद की गलियों में एक लुकमे के लिए भीख मांग रही थी, एक लुकमे के लिए भीख मांग रही थी। इसराफ के साथ, फजूल खर्ची के साथ, मुतालबात के साथ जो निकाह होता है, निकाह में जब नौकर को खुश रखने की कोशिश हो रही है तो फिर अल्लाह को खुश रखने की भी कोशिश की जाए। हजरत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह ने फरमाया जिस तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जालिम बादशाह के सामने हक बात कहना वक्त का बड़ा जिहाद है,
कलिमतु हक्किन इंदा सुल्तानिन जाइर, ऐसे ही शादी ब्याह के मौके पर समाज के दबाव के खिलाफ चलकर सुन्नत को जिंदा करना, ये भी वक्त का बड़ा जिहाद होता है। सुन्नत और शरीयत के मुताबिक करना, ये वक्त का बड़ा जिहाद होता है। हमारी जिम्मेदारी है कि निकाह को आसान किया जाए, दीनदारी की बुनियाद पर निकाह किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है, जानिबैन में लड़के वालों की तरफ से भी लड़की वालों की तरफ से भी इस निकाह में जो नीयतें हैं, जो मकसूद है, दीनदारी को मकसूद बनाया गया। जानिबैन से लड़की भी आलिमा की हद तक पढ़ी है, लड़का भी इफ्ता किया हुआ है, दीनदार घराना है, दीन की बुनियाद पर निकाह हो रहे हैं, नीयतें भी अच्छी हैं, अकाबिर की आमद है, अल्लाह वालों की दुआएं साथ हैं, नेक लोगों का मजमा है। तो उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह ताला निकाह में खैर बरकत और नेक नस्ल का ज़रिया, बड़ों की मोहब्बत और दुआओं का ज़रिया, और इस निकाह के ज़रिए से दूसरे लोगों की हिदायत और दूसरे लोगों के लिए एक नमूना और आसान निकाह का ज़रिया बनाएगा। अल्लाह से दुआ है कि सुनी बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।